सौर ज्वालाओं का एक विस्फोट हुआ है। वो जीवन जो इस तरह से विस्फोट के लिए तैयार है वो स्फूर्ति से भर जाएगा। एक आध्यात्मिक साधक के लिए अनुकूल समय आने वाला है। कुछ इसका लाभ उठाएंगे, कुछ शिकायत करेंगे। आप क्या करेंगे? तो मॉनसून के अगस्त महीने के हिसाब से ये काफी गर्म है। शायद अगले 10 से 12 महीने औसतन तापमान दूसरे सालों की तुलना में कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि सौर ज्वालाओं का विस्फोट हुआ है। हमें यह समझना चाहिए कि इस धरती पर सारा जीवन सौर ऊर्जा से चल रहा है। सौर ऊर्जा कोई आपका आविष्कार नहीं है, क्योंकि आपने सोलर पैनल बना लिया। पेड़ का पत्ता एक सोलर पैनल है। यह ग्रह अपने आप में एक सोलर पैनल है। वो सब कुछ जो हम यहां कर रहे हैं, चाहे आप एक पेड़ को खाएं या जानवर को, या आप लाइट चालू करें, वो शायद डीजल या कोयले या किसी और चीज पर चल रहा हो, पर चाहे जो हो, सब कुछ सौर ऊर्जा से है। तो इस धरती पर मूल ऊर्जा सूर्य की है। जब ऐसा है तो अगर इस सौर ऊर्जा का स्रोत हमें एक विस्फोट दे रहा है, अगर आपको इसे लेना आता है तो यह बहुत लाभदायक होगा। अगर आप नहीं जानते कि इसे कैसे लें तो आप जल सकते हैं। तो इसे कैसे लें, इसका क्या मतलब है? जैसा कि आप सब जानते हैं या शायद ना जानते हो, आप में से कई लोग मासूम हैं, सिर्फ किताबें पढ़ी हैं। आप पृथ्वी पर घूमे नहीं हैं, मैं ये कह रहा हूं। आप जानते हैं कि सभी पेड़ पौधे गर्मियों के आने पर खिल उठते हैं। हम इसे बसंत कहते हैं। असल में ये गर्मियों की शुरुआत है और जीवन खिल उठता है। जब सौर ऊर्जा पर्याप्त नहीं होती तो सब कुछ धीमा हो जाता है। इतना तो आप जानते हैं, आपने कहीं पढ़ लिया होगा। अगर आपको सौर ऊर्जा का विस्फोट मिले, लाइफ दैट इज रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ ब्लास्ट will invigorate. Life that is not ready, dwindle down or get burned down. तो वो जीवन जो इसके लिए तैयार होगा वो स्फूर्ति से भर जाएगा, और वो जीवन जो तैयार नहीं है वो कमजोर हो जाएगा या जल जाएगा। तो अगर ये मिट्टी उपजाऊ है और पर्याप्त नमी को सोखे हुए है, तो अगर सूर्य बहुत गर्म हो जाए तो ये पेड़ दुगनी तेजी के साथ बढ़ेगा सामान्य गति की तुलना में। अगर मिट्टी में पोषण नहीं है तो सूर्य इसे जला डालेगा। यही बात आपके और मेरे लिए भी है। अगर आपकी जड़ें उपजाऊ जगह में हैं, तब सौर ज्वालाओं से इंसानों को खिल उठना चाहिए, क्योंकि हम इस धरती के किसी दूसरे जीवन से अलग नहीं हैं। उनकी और हमारी भौतिक संरचना, जब मैं कहता हूं भौतिक संरचना तो रूप नहीं, पर बुनियादी भौतिक संरचना, और जैसे इनका क्रम विकास हुआ है तो ये एक ही तरह से हुआ है, अमीबा से लेकर मनुष्य तक। तो हर जीवन अगर ये उपजाऊ स्रोत में है तो वो खिलेगा, नहीं तो मुरझा जाएगा या कम से कम नुकसान तो उठाएगा। तो अगले 12 महीने, 10 से 12 महीने मैं कहूंगा, शायद बहुत गर्म हो सकते हैं, हो सकता है ना भी हो, निर्भर करता है कि पृथ्वी इसके जवाब में क्या करती है। अगर गर्मी ज्यादा होगी तो इस धरती के जलाशयों से वाष्पीकरण की मात्रा भी ज्यादा होगी, खास तौर से महासागरों से जो कि सबसे विशाल हैं। अगर पानी भाप बनेगा तो आपको क्या लगता है ये कहां जाएगा? मुख्य तौर से सबसे पहले यह बादल बनता है। तो अगर बादलों का निर्माण बहुत ज्यादा होगा तो फिर से ये पृथ्वी को ठंडा कर देंगे। पर एक चीज जो होगी वो ये कि जब बादल ऊपर उठते हैं तो वो बस वहां बने नहीं रहते, नहीं ऐसे ही गायब हो जाते हैं। उनका ज्यादातर हिस्सा नीचे आता है,
बारिश के रूप में। दुनिया के वो हिस्से जो काफी ठंडे हैं, वहां ये बर्फ के रूप में नीचे आएंगे। अगर जगह गर्म है तो वही चीज बारिश के रूप में आएगी। तो अगली गर्मियों में समशीतोष्ण जलवायु की जगहों के लिए शायद ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, और कुछ हद तक हमारे लिए भी। यानी कि सालाना औसत जो बर्फ गिरती है, अगर इस बर्फ का 20% भी बर्फ के बजाय बारिश के रूप में नीचे आ गया तो मानव समाज के लिए अकल्पनीय त्रासदी हो जाएगी, खास तौर से शहरी क्षेत्रों के लिए। वैसे आप अभी भी ये देख ही रहे हैं, मुझे लगता है अगर आपको मुंबई या दिल्ली में रहना है तो आपको अपनी कार के साथ एक नाव भी चाहिए। हेलो। क्योंकि ये हर साल होता है, अब ये 12 साल में एक बार नहीं होता, हर साल हो रहा है। तो वहां रहने के लिए आपको एक नाव भी चाहिए। वैसे दक्षिण भारत ने इतना कुछ नहीं झेला है, इसके कई कारण हैं, पर यह भी संभव है कि जैसे गर्मी बढ़ेगी तो मानसून की हवाएं और बादलों की गति थोड़ी उत्तर की तरफ हो जाएगी, ये इक्वेटर से दूर होते जाएंगे। यह स्वाभाविक होता है कि जब गर्मी ज्यादा होती है तो ये भूमध्य रेखा से दूर हो जाते हैं, तो वो बारिश जो यहां गिरनी चाहिए, अगर वो जर्मनी या स्विट्जरलैंड या कहीं और चली जाएगी तो वो जगहें इस तरह की बारिश के लिए तैयार नहीं है, उन्हें बर्फ चाहिए। लेकिन हम बारिश और मानसून की बातें क्यों कर रहे हैं? सदगुरु, सदगुरु ये दर्शन है। हाँ हाँ, मैं जानता हूं, मैं बस आपको इतना बता रहा हूं कि एक आध्यात्मिक साधक के लिए अनुकूल समय आ गया है। कुछ इससे लाभ उठाएंगे, कुछ शिकायत करेंगे। आप क्या करेंगे? आपको इससे लाभ उठाना चाहिए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ऊर्जा का संरक्षण कैसे करें, कैसे इसका सकारात्मक ढंग से उपयोग करें बजाय कि इससे बीमार हो जाएं। तो वो सब मेडिकल चीजें मैं उनसे बोलूंगा कि उसकी एक लिस्ट बना दें कि आपको क्या करना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए वगैरह वगैरह, वो चीजें हम बता देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है, आप में से ज्यादातर लोग सूर्य क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं। इसका मतलब हम ज्यादा ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये उन बेवकूफों को भी सिखाया जा रहा है जिन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर आप सही तरीके से इसे ग्रहण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा में एक खास उल्लास रहेगा। अगर नहीं करेंगे तो यह आपको दुर्बल बना देगा। तो एक आध्यात्मिक साधक के लिए आने वाला साल अच्छा होने वाला है। मैं इन 12 महीनों का लाभ उठाना चाहता हूं कि ज्यादातर प्राण प्रतिष्ठाएं जो हमें करनी हैं, हम इस समय में पूरी करना चाहेंगे जब प्रकृति हमारे लिए अनुकूल है। मैं ये सब बता रहा हूं इसलिए नहीं कि मैं सौर ज्वालाओं या किसी चीज का अध्ययन कर रहा हूं। मेरा शरीर मुझे बताता है, हर दिन आपका शरीर भी बताता है, आपको सुनना सीखना चाहिए। अब पानी पीने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए कि कितने लीटर पानी आपको पीना चाहिए। एक कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, हर कोई जानता है कि पानी कब पीना है और कब नहीं, है ना? फिर इंसान कैसे नहीं जानते? तो ये इसलिए क्योंकि आसमान में तो बादल हमारे लिए लाभदायक होते हैं, पर आपके सिर में ये अच्छे नहीं होते। ये बादलों से घिरा हुआ है, क्योंकि एक बुनियादी गलती जो आपने कर रखी है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को सच्चाई मानकर बैठे हैं। अभी आप सबको एक टाइगर के बारे में सोचना है। सोच सकते हैं? एक चमेली के फूल के बारे में सोचिए। सोच सकते हैं? एक शैतान के बारे में सोचिए।
आप जो चाहें उसके बारे में सोच सकते हैं, है कि नहीं? पर आपका ही बनाया हुआ आपको कैसे टॉर्चर कर सकता है? ओ, अगर आपका ही बनाया हुआ आपको टॉर्चर करने लगे तो आप सचमुच दिक्कत में हैं, है ना? हेलो, छोटी मोटी नहीं, बुनियादी समस्या में है। क्योंकि वो बुनियादी गलती ये है कि आपने अपनी मनोवैज्ञानिक सच्चाई को अस्तित्व की सच्चाई मान रखा है। मनोविज्ञान हमारा बनाया हुआ है, हम इसे जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। ये ड्रामा है, मानसिक ड्रामा जो आप बना रहे हैं। कम से कम अच्छे डायरेक्टर तो बनिए। हेलो, तो आपको बस थोड़ा निर्देशन सीखना है। यहां क्या होना चाहिए यह आपको तय करना चाहिए, है ना? नहीं तो अगर आपको ड्रामा चलाना नहीं आता तो कम से कम उसे रोक देना चाहिए और बस बैठे हैं। आपको थोड़ा गौर करना चाहिए कि क्या हो रहा है। कम से कम 3 से 4 घंटे में एक बार बस 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करिए और देखिए कि क्या चल रहा है। अभी क्या इसे खाने की जरूरत है, पानी पीने की, या बस सांस लेना अच्छा है? क्या हो रहा है? हेलो, क्या आपका जीवन इतना ध्यान देने लायक तो है? मैं पूछ रहा हूं, आपका जीवन क्या इतने के लायक तो है? तो प्लीज करिए। तो ये अच्छा समय है, अगले 10 से 12 महीने हम दिसंबर के महीने में, जब ये गर्म होगा पर सुहावना भी होगा, तो हम यहां ईसा योग केंद्र में, ये साधना का महीना होगा। तो ये एक अच्छा समय है, क्योंकि जो जानता है वो जो जीवन के लिए फिट है हर समय अच्छा समय होता है। जो जीवन के लिए फिट नहीं है वो हमेशा ये देखता रहता है कि कौन सा अच्छा समय है, कौन सा बुरा है। अगर आप जीवन के लिए फिट हो जाएं तो हर समय अच्छा समय होगा। आइए इसे संभव बनाएं।